हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीएफ एकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। द एडवांटेज ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू, प्रबलित कंक्रीट का लाभ किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मोनोलिथिक कैरेक्टर, अखंड चरित्र के कारण, फायर रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबिलिटी, अग्नि प्रतिरोधी और स्थायित्व या टिकाऊपन के कारण, इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव के कारण, मित व्ययता, इसको हम लिखेंगे मित व्ययता, मित व्यय, कम रख रखाव कारण कंक्रीट की कॉस्ट कम होती है, इस कारण एडवांटेज होता है। मोल्डिंग इन एनी डिजायर शेप, कंक्रीट को किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं, तो हम देखते हैं ये सारे क्वालिटीज प्रबलित कंक्रीट में होती हैं, इसलिए ऑप्शन ई हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑल ऑफ द अबव मींस उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर। आईएस 456/2000 के अनुसार कंक्रीट के ग्रेड की कुल संख्या है। अकॉर्डिंग टू कोड टोटल नंबर ऑफ ग्रेड जो होते हैं 15 होते हैं। हमने इसको डिस्कस किया है यूनिट फर्स्ट जब हमने डिस्कस किया है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ ग्रेड में जो 3 ग्रेड्स होते हैं M10 से लेकर के M20 तक, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। हमें याद रखना है ऑर्डिनरी कंक्रीट, M25 से M55 तक के ग्रेड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और M55 हो गया M60 से M80 का जो ग्रेड होता है इसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट, मानक कंक्रीट और सामान्य कंक्रीट। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कितने टोटल अपग्रेड नंबर अपग्रेड हो जाएंगे, M10, M15 एंड M20। तो मतलब यहाँ पर जो ग्रेड के नंबर्स हो जाएंगे 3 नंबर्स अपग्रेड जो होते हैं वो ऑर्डिनरी कंक्रीट के होते हैं। M25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 एंड 55, ये टोटल नंबर अपग्रेड हो जाएंगे हमारे 7। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट या मानक कंक्रीट। 60 से 80 तक 60, 65, 70, 75 एंड 80 मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर अपग्रेड हो जाएंगे हमारे 5। तो ये हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड हो गया हमारा 3 + 7 + 5 = 15। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड हमारे कोड के अकॉर्डिंग 15 होते हैं। टू डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब। कंक्रीट की अवलाक्षणिक सामर्थ्य निर्धारित करने के लिए घन का मानक आकार क्या होता है या क्या यूज करते हैं? तो हमें पता है कंक्रीट की अवलक्षणिक सामर्थ्य मींस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम जो क्यूब का साइज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब का, मींस 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड। कंक्रीट की अवलक्षणिक सामर्थ्य कितने दिनों में निर्धारित की जाती है? कंक्रीट की अवलक्षणिक सामर्थ्य को पता लगाने के लिए हम 28 डेज में टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, मींस 28 डेज में पता लगाते हैं। द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अबव 95% टेस्ट रिजल्ट्स आकर। कंक्रीट की सामर्थ्य का वो मान जिसके ऊपर 95% परीक्षण परिणाम आते हैं, मींस 95% टेस्ट रिजल्ट पास हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या अवलक्षणिक सामर्थ्य। या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा से घुमा के पूछें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कंक्रीट का की सामर्थ्य का वो मान जिसके नीचे 5% टेस्ट रिजल्ट फेल होते हैं या 5% टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू नहीं मीट करती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 95% टेस्ट रिजल्ट फाल हो पास हो या 5% टेस्ट रिजल्ट फेल हो, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M25 ग्रेड की कंक्रीट की आनमन सामर्थ्य क्या होता है? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल
स्ट्रेंथ, जो फ्लेक्सल स्ट्रेंथ है उसको हम, उसका फार्मूला जो होता है, होता है फ्लेक्सल स्ट्रेंथ को एफ सी आर से डोट कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला होगा 0.7 रूट एफ सी के। 0.7 एफ सी के की वैल्यू कितना हो जाएगा, M25 ग्रेड कंक्रीट है, इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो M25 के लिए 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए यंग प्रत्यास्था मापांक का मान क्या है? तो हमें पता है जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए, वो होती है ईसी से अगर डिनोट करें तो वो होगा 5000 रूट एफ सी के। M25 है इसलिए एफ सी के की वैल्यू हम जो है 25 रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5000 इंटू 5, ये क्या है 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो यह इसको हम ले सकते हैं 2.5 इंटू 10^4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जो भी वैल्यू है सारी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट मीन्स PCC एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मीन्स RCC। PCC और RCC का यूनिट वेट क्या होता है, इकाई भार क्या होता है? तो हमें पता है जो PCC होता है उसका यूनिट वेट लिखते हैं, PCC का जो यूनिट वेट होता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पर किस में हमें बताना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बताना है। और जो RCC होता है उसका यूनिट वेट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, हमें ये याद रखना है। अगर स्टील के लिए पूछ ले तो स्टील के लिए जो यूनिट वेट होता है उसको हम लेते हैं 7850 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ IS 875/1986 द मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग विंड लोड ऑन स्ट्रक्चर इज गिवन। IS 875/1986 के किस भाग में संरचना पर पवन भार की गणना करने की विधि दी गई है? तो हमें पता जो IS 875 है, IS 875/1987, इसके कितने टोटल पार्ट हैं लोड का, लोडिंग के बारे में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, पार्ट फाइव। पार्ट फर्स्ट में जो है डेड लोड को कैलकुलेट करने के बारे में बताया गया है, डेड लोड के बारे में, एंड पार्ट सेकंड में लाइव लोड या इम्पोज लोड जिसे बोलते हैं, लाइव लोड लिख देते हैं। पार्ट थर्ड में दिया गया है विंड लोड की कैलकुलेशन के बारे में, विंड लोड्स के बारे में। पार्ट फोर जो होगा उसमें स्नो लोड के कैलकुलेशन के बारे में, एनालिसिस के बारे में गिवन है, एंड जो पार्ट फाइव है उसमें लोड कॉम्बिनेशन के बारे में गिवन है। अगर इन में से किसी का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या करना होगा, लोड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आज पर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही पर यहाँ पर होगा कि विंड लोड की कैलकुलेशन किसके में दिया गया, IS 875/1986 के पार्ट थ्री में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट एट 7 डेज। 7 दिन पर, यहाँ पर 7 दिनों में मंद विरूपण गुणांक का मान क्या होता है? तो हमें पता है जो मंद क्रीप कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू डिपेंड करता है डेज पर, डेज मीन्स टाइम पर डिपेंड करता है, इन डेज। तो यहाँ पर अगर इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, डिनोट करते हैं क्रीप कोएफिशिएंट को, और यहाँ पर डेज लिख देते हैं, तो इन वैल्यू को याद रखना है हमें 7 डेज पर, 28 डेज पर, डेज डेज एंड 1 ईयर पर, क्या क्या वैल्यू होगी? यहां पर लिखते हैं डेज और ये हो गया यहां पर थीटा की वैल्यू। तो 7 डेज पर जो क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है 2.2, 28 डेज पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6, एंड 1 ईयर पर क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है 1.1।
तो ये वैल्यूज हमें याद रखना है। हमें 7 डेज पर पूछा है क्वेश्चन में, तो मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेंथ फॉर गिवन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। परीक्षण डेटा की अनुपस्थिति में डिजाइन के लिए कुल संकुचन विकृति का अनुमानित मान लिया जा सकता है। श्रिंकेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर उसके बाद उसमें जो भी वाटर होता है वो हट जाता है, जब वाटर खत्म होता है तो क्या उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में सिकुड़न आती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेन मींस विकृति डेवलप होती है, उसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज स्ट्रेन। तो अगर हमारे पास परीक्षण डेटा अनअवेलेबल है तो उस केस में जो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू हम लेते हैं 0.003 लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को क्या बोलते हैं, मृदु इस्पात। मृदु इस्पात, मृदु इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता मापांक की वैल्यू क्या होता है, मान क्या होता है, तो वैल्यू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जितनी भी यूनिट है यहाँ पर लिखें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप्स ऑफ स्टील हैव डक्टिलिटी एज वेल एज हाई स्ट्रेंथ, किस प्रकार के स्टील में लचीलापन के साथ साथ उच्च शक्ति भी होती है। उच्च शक्ति मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, सामर्थ्य की बात हो रही है, ये क्या है सामर्थ्य। माइल्ड स्टील HYSD बार और TMT बार, जो माइल्ड स्टील होती है, माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होता है कितना होता है Fe250। माइल्ड स्टील डक्टाइल होती है इसलिए इसको हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा सुटेबल मानते हैं क्योंकि इसमें डक्टिलिटी ज्यादा होती है। HYSD बार मींस हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, इसका जो ग्रेड होता है हम लोग Fe415 और Fe500 ग्रेड की अगर स्टील है तो उसको HYSD बार की कैटेगरी में रखते हैं। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू माइल्ड स्टील, बट डक्टिलिटी HYSD बार की माइल्ड स्टील के कंपेरिजन में कम होता है। TMT बार क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। TMT बार की क्वालिटी क्या होता है, जो TMT बार होता है ये जब रेड हॉट हो जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अचानक जो है वाटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फिर ये क्या होता है ठंडा होता है, इसके लिए जो इससे जो इसका आउटर सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, बट जो इनर सरफेस होता है वो डक्टाइल बना रहता है, डक्टाइल मीन सॉफ्ट बना रहता है, जिससे क्या होता है जो TMT बार होता है इसकी डक्टिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ मीन्स डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम कौन सी बार प्रीफर करते हैं, TMT बार को ही प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कि किस बार में या किस स्टील में डक्टिलिटी और हाई स्ट्रेंथ दोनों होती है तो वो TMT बार होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सीमेंट कंक्रीट इज, सीमेंट कंक्रीट होती है, तो सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो हमें पता है टेंशन में कमजोर होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं PCC की जगह पर RCC यूज करते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके, इसलिए वहां पर हम लोग रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, वीक इन टेंशन, तनन में कमजोर होती है। एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन RCC वर्क, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए IS 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग न्यूनतम कंक्रीट के ग्रेड क्या यूज करनी चाहिए, तो वो ग्रेड है M20 ग्रेड, हमें RCC वर्क के लिए मिनिमम यूज करना चाहिए एज पर कोड। एज पर IS 456/2000 स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज व्हाट, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग मानक ग्रेड की कंक्रीट होती हैं कितनी होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होते हैं। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ऊपर कि जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट वो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स के 3 होते हैं, कितना, M10 से 20 तक, 10 to 20। जो स्टैंडर्ड ग्रेड होता है या स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होती है वो 7 होता है, कहाँ से, M25 से M55 तक। और जो हाई स्ट्रेंथ ग्रेड कंक्रीट होती है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जिसे बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट 5 होते हैं, कहाँ से, M60 से M80। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड कंक्रीट कितनी होते हैं टोटल, उसके टोटल ग्रेड होते हैं 7, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं,
Fe2550 इज वाट? Fe2550 क्या है? HYSD बार है, TMT बार है, माइल्ड स्टील है। तो हमें पता है जो Fe250 ग्रेड है वो माइल्ड स्टील की कैटेगरी में आता है, और HYSD बार के लिए Fe415 और Fe500 मींस Fe5415 एंड Fe500। TMT के लिए Fe415, Fe500 और एवब, इसके ऊपर के जो ग्रेड होंगे ये सारे कंसिडर किए जाएंगे TMT बार में। तो यहाँ पर 250 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माइल्ड स्टील। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर? M30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए अवलक्षणिक सामर्थ्य का मान क्या होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में? तो हमें पता है अगर M30 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर? न्यूटन पर mm स्क्वायर में Fe415 ग्रेड की स्टील के लिए अवलक्षणिक सामर्थ्य का मान क्या होगा? तो Fe415 के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू लेंगे हम 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? Fy से डिनोट करते हैं स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और कंक्रीट के लिए हम जो यूज करते हैं उसको Fck से डिनोट करते हैं फॉर कंक्रीट। तो Fy की वैल्यू यहां पर होगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर यहां पर 500 ग्रेड होता तो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता, 250 न्यूटन पर 250 ग्रेड होता तो यहां पर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता, और 550 के लिए 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है? कंक्रीट की टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मान क्या है निम्न में से? तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। हमें पता जो टारगेट मीन की वैल्यू होती है Fm से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है Fck मींस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। यहां पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। थैंक यू।